पिहोवा में आज रविवार 19 मार्च को चैत्र चौदस मेले का शुभारंभ हो चुका है, जो कि 21 मार्च तक चलेगा। चैत्र चौदस मेला हिंदू सिख एकता का प्रतीक है, जिसमें देश भर से लोग अमावस के अवसर पर स्नान करते हैं तथा अपने पितरों की आत्मा की शांति के पिंड दान में पूजा पाठ करवाते हैं। चैत्र चौदस मेले के पहले दिन भारी संख्या में लोग मेले में पहुंचे और आगामी दो दिनों में लगभग 5 लाख से भी अधिक लोगों के मेले में पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें कि विश्वविख्यात चैत्र चौदस मेले का धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। कुरुक्षेत्र की परिधि में पड़ने वाले तीर्थों में सर्वाधिक महत्व पितृदत्त तीर्थ यानी पिहोवा का माना गया है। वामन पुराण के अनुसार वेन के पुत्र पृथु के नाम से इस तीर्थ का नाम पितृदत्त हुआ। राजा वेन धर्म से विमुख हो गया था, जिस कारण ऋषियों ने उसे श्राप देकर मार दिया था। फिर उसके शरीर का मंथन किया गया, जिससे भगवान विष्णु के नौवें अंश पृथु पैदा हुए। राजा पृथु ने जिस स्थान पर अपने पितरों को उद्दक यानी जल दिया, वह स्थान पृथु उद्दक यानी पितृदत्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस तीर्थ में स्नान का अति महत्व माना गया है। यहाँ स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति के साथ साथ स्वर्गलोक भी प्राप्त होता है। चैत्र चौदस मेला पिहोवा उपमंडल के सभी लोगों के साथ साथ देश के सभी लोगों का मेला है। इस अवसर पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और परंपरागत तरीके से अमावस के समय स्नान करते हैं। चैत्र चौदस मेले के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। श्रद्धालुओं के लिए मेला प्रशासक द्वारा सभी प्रकार की सुविधा की जा चुकी है। मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए बकायदा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। मुख्य घाट पर बने प्रशासनिक खंड में अधिकारियों द्वारा सीसीटीवी कैमरों द्वारा रखी जा रही नजर का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। बड़ी LED स्क्रीन से हर सेक्टर पर नजर रखी जा रही है। रात में पृथ्वी तक तिरक रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है।